खाना, लिखना और टेंशन में सो जाना, ये मेरे लिए जिंदगी का जलसा है, मेरा शुभ नाम मनसा है। जैसे मैंने कहा, मैं अपनी कविता के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ सुनाना चाहती हूँ। सुना था उसने जमाने से कि मिलेगी संसार की हर खुशी जब होगी शादी, खुशी तो मिली मगर आधी। किस्मत में जो लिखा है उसे बदलना नामुमकिन है, कोई कैसे बताए किसी को देखकर कि कब उसका आखिरी दिन है। जब उसे पता चला she doesn't have a husband anymore, वो नम हुई, उसके आंसू बाहर आने लगे, उसके भविष्य को डराते हुए ख्वाब आने लगे, घर का खर्चा कैसे उठाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये सवाल उसे सताने लगे। गलत नजरों से देखा गया उसे, किसी ने बेचारी का खिताब दे दिया, कोई खड़ा रहा उसके साथ अंत तक, किसी ने एक बार में जवाब दे दिया। वो गालों पर लगाए लाली तो पड़े जमाने की गाली, क्यों वो किसी रंग को ना पहने, क्यों वो त्यागे अपने गहने, क्यों ना जिए वो उसे जिस कदर जीना है, श्रृंगार भी तो उसकी मीना है, वो अपनी यादों को दिल में रख के जब चाहे रो लेती है, जमाने को क्यों उसकी हंसी पर शक है, अपनी लकीरों को खुद बदलना उसका हक है। एक ही प्रश्न बार बार पूछा गया, क्या हुआ, अब क्या करना है, अभी तो तुझे बहुत कुछ सहन करना है, दूसरी शादी करनी है, ये कैसी औरत है, बच्चों के सहारे जी ले, तुझे प्यार की क्या जरूरत है। लोग क्या कहेंगे वो सोचने लगी थी, किसी के तानों को सुनकर खुद के अरमानों को नोचने लगी थी, पर हारना उसकी फितरत नहीं थी, इतनी आगे अकेले आ गई, अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी। ठोकरे भी खाई उसने मगर मारी नहीं, अब तलवार बन चुकी है वो बेचारी नहीं, वो करती है सामना दुनिया का डटकर, तभी तो कल रात चैन से लेटी हूं मैं, अब जो किसी के बाप से नहीं डरती उसी विधवा की बेटी हूं मैं। धन्यवाद। बेहतरीन नज़मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।